स्वागत है दोस्तों आपका इनके क्लासेस में। आज हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीरीज ऑफ लोड्स एंड यूडीएल के कारण एसएफडी एंड बीएमडी बनाना सीखे थे। आज हम ये देखेंगे कि जब किसी बीम में मोमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हम उसका एसएफडी एंड बीएमडी किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने यूडीएल भी लगाया है, पॉइंट लोड भी लगाया है और मोमेंट भी लगाया है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि जो तीनों का इफेक्ट है उससे कैसे एसएफडी और बीएमडी बनता है। सो सबसे पहले जो हमारी स्टेप होती है वो क्या होती है कि हमको रिएक्शन फाइंड करना होती है। तो यहाँ पे आपकी एक रिएक्शन आएगी आर ए और यहाँ पे आपकी दूसरी रिएक्शन आएगी आर बी। सो हम लिख लेते हैं लेट आर ए एंड आर बी बी द रिएक्शंस एट ए एंड बी। तो सबसे पहले हमने ए पे आर ए रिएक्शन लगा दी और बी पे आर बी। अब हमको रिएक्शन फाइंड करना है, तो जो हमारी पहली इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहां पे आपके पास दो लोड है, एक 40 है और एक 20 यूडीएल है। तो सबसे पहले हम इस यूडीएल को क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। सो जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो जो 20 इंटू 3 है तो कितना हो जाएगा 60, और ये कहां पे लगेगा 1.5 और 1.5 पे, क्योंकि वो जो लगता है वो सेंटर पे लगता है। जो यूडीएल को हम जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट लोड कहां पे लगता है, उस बीम के सेंटर पे, मीन्स जितने की उसकी लेंथ होगी यूडीएल की उसके सेंटर पे। तो यहां पे इसकी लेंथ कितनी थी 3, तो वो कितने पे एक करेगा 1.5 और 1.5 पे। सो तो यहां पे आपके पास दो लोड हो गए, एक 40 और एक ये 60, तो 40 प्लस 60 हो जाएगा। सो आर ए प्लस आर बी टोटल कितना हो गया आपका 100 किलो न्यूटन। ये आपकी कौन सी बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ए पर हम क्या ले लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए वी गेट, तो ए पे हम क्या ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो रिएक्शन है वो क्या है, आर बी। सो आर बी इंटू उसकी जो लेंथ है, सो 3 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये आपको कितना हो जाएगा 6। फिर आपका अब यहां पे देखिए आरबी इसको कैसे रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो जो आपका मोमेंट लग रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और आरबी को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो जो भी उसके अपोजिट होगा उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा इस डायरेक्शन में, और जो आपका मोमेंट है वो अपोजिट लग रहा है, तो हम उसकी साइन क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -120। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास लोड आएगा 40 किलो न्यूटन का, तो इसको हम लिखेंगे 40 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3। अब यहां पे हमने डिस्टेंस क्यों नहीं इंटू करी, क्योंकि ये खुद ही मोमेंट है, लोड होता तो हम डिस्टेंस लेते, यहां पे ये मोमेंट ही गिवन है, सो मोमेंट में हम डिस्टेंस इंटू नहीं करेंगे। -40 इंटू 3 हो जाएगा, फिर माइनस आपका कौन सा लोड आएगा, ये पॉइंट लोड आएगा जब हम यूडीएल को कन्वर्ट करेंगे, तो 60 इंटू यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 0। इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 90। सो हम आरबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आरबी की वैल्यू क्या आएगी, 120 प्लस 120 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 6। सो आरबी आपका आ जाएगा गाइस 55 किलो न्यूटन। सो ये आपका क्या निकल गया, आरबी। अब ये जो आरबी की वैल्यू है ये आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर ए। सो आर ए प्लस 55 इज इक्वल्स टू 100, सो आर ए इज इक्वल्स टू 100 माइनस 55, सो आर ए इज इक्वल्स टू 45 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, आर ए एंड आर बी। तो ये हमने आर ए, सबसे पहले हमने रिएक्शंस निकाल ली आर ए एंड आर बी। अब इन रिएक्शंस के हेल्प से हम एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, रिएक्शंस फाइंड करना होती है।
यहाँ पे एक चीज वो ध्यान रखना कि ये जो है मोमेंट ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो रिएक्शन होती है अगर हम ए पॉइंट से देखें तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी रिएक्शन के अपोजिट होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो जब हमने ए के अबाउट मोमेंट लिखा तो हमने उसको कैसा लिया, नेगेटिव लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब हम नेगेटिव लेंगे कब हम पॉजिटिव लेंगे। तो वो अगर रिएक्शंस की तरफ घुमा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो इजीली आपके इसकी हेल्प से आप रिएक्शंस निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। सो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम पीछे से चलेंगे। तो हम यहां पे अपना डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये हमारी रिएक्शन हो गई आर ए एंड आर बी। इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं 60 1.5 1.5। फिर यहां पे आपका लोड लग रहा है 40 का और यहां पे आपका लग रहा है 120 किलोन्यूटन मीटर। ये आप क्या हो गया 1.5 ही हो गया आपका 1.5। अब एक चीज नोट करने वाली होती है कि जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे होते हैं तब आपका मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मींस ये जो मूवमेंट है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मूवमेंट यहां पर है ही नहीं जब भी हम क्या ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम सिर्फ किन के कारण होता है, लोड्स के कारण होता है, मूवमेंट के कारण नहीं होता है। तो अब शेयर फोर्स एट सबसे पहले हम कहां पे निकालेंगे, बी पे। तो बी पे हमारा कितना आता है माइनस आर बी। माइनस आर बी कितना हो जाएगा 55 किलोन्यूटन। तो ये हमारा क्या निकल गया, शेयर फोर्स एट बी। अब चलेंगे तो हमको डी पे हमको कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अगर हम शेयर फोर्स एट डी लिखेंगे तो भी हमको कितना मिलेगा, माइनस 55 किलोन्यूटन। अब अगर हम कहां पे आते हैं, सी पे आते हैं। तो सी पे देखिए ये 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस 55 प्लस 40। सो ये आ जाएगा आपका माइनस 15 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट सी कितना आ गया। अब शेयर फोर्स एट ए निकालेंगे तो यहां पे देखिए माइनस 50 है और 60 का लोड आ रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 60। तो ये कितना आ गया आपका 45 किलो न्यूटन, जो कि आपका रिएक्शन एट ए पे। तो यह हमारा जो शेयर फोर्स निकले हैं हर पॉइंट पे वो सही है। तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं जो शेयर फोर्स एट ए है वो कितना आना चाहिए, रिएक्शन एट ए। अब हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लोकेट करेंगे हम। ये हमारा ए है, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये आपका बी हो गया। अब बी पे आपका रिएक्शन कितना है 55। तो जो शेयर फोर्स है वो भी कितना था 55। तो ये हमने 55 रोटेट कर दिया। अब आपका डी पे भी उतना ही है 55। सो ये स्ट्रेट चलेगा आपका। फिर आपका जो सी है वहां पे भी आपका कितना है 55 ही है, मीन्स 15 है। तो हम यहाँ पे इसको 15 कर लेंगे। ये हमारा कितना हो गया 15। और ए पे आपका कितना है 45। सो ये हम 45। और अब यहां पे यूडीएल है तो हम उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, इनक्लाइन लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव और बाकी ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। नाउ यहां पे आपका शेयर फोर्स कितना है गाइस, जीरो है। तो जहां पे भी आपका शेयर फोर्स जीरो होता है वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमको उसकी डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगी कि वो किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना है आपका एक से और ये टोटल कितनी है 3 मीटर है। टोटल कितनी है 3 मीटर है। तो अगर टोटल 3 मीटर है ये और ये एक से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको सिमिलर ट्रेंगल से निकाल सकते हैं। तो इधर देखिए ये आपका 15 है, ये आपका 45 है, ये आपका एक से, ये आपका 3 माइनस एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15। ये हमने क्या लगाया, सिमिलर ट्रेंगल से हम ये सा लिख सकते हैं।
इसको हम और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 60 तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 2.25। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2.25। अगर हम 3 माइनस x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास 0.75 मीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपकी ये कितनी हो जाएगी 0.75 मीटर। ये कहाँ पे यूज आएगी, जब हम मोमेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे तब हमको वो यूज आएगी। इसको हम ई नाम दे देते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम सीखते हैं कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे मोमेंट लग रहा है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस मोमेंट के कारण जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसे चेंज होगा। तो चलिए हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमारे पास बीम गिवन है उसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी बीम बना लेते हैं वापिस से रफ। ये आपका 45 किलो न्यूटन आया था आर ए, और आर बी आपका कितना आया था 55 किलो न्यूटन। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हमको ए ई सी टी एंड बी पे क्या निकालना है, हमको बेंडिंग मोमेंट। सो सबसे पहले जो आपके सपोर्ट होते हैं वहां पे आपका जो मोमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एम ए इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब हम जब डी पे निकालेंगे तो डी पे हमारा एक मोमेंट लग रहा है तो हम जस्ट डी के पहले निकालते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा मोमेंट कितना आएगा, फिर जस्ट ई के इधर निकालेंगे, मींस जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जस्ट राइट निकाल लेते हैं तो एम डी कितना आएगा, देखिए इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1.5, तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा ये 1.5। सो आर बी आपका 55 है तो ये आ जाएगा आपका 55 इंटू 1.5। सो ये आ गया आपका 82.5 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट कितनी होगी, किलो न्यूटन मीटर। नाउ अगर हम जस्ट लेफ्ट की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, एक मोमेंट लग रहा है उसी पॉइंट पे। अब ये जो मोमेंट है अगर हम यहां से देखेंगे तो ये रिएक्शन के अपोजिट जा रहा है तो माइनस में होगा। तो हम लिख सकते हैं 82.5 माइनस कितना होगा ये 120। सो इसकी वैल्यू किससे निकलेगी, 82.5 माइनस 120। सो ये आ गया आपका 37.5 माइनस में। सो गाइस जब भी आपका मोमेंट लगता है किसी भी बीम पे तो उसमें हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जब भी निकालेंगे तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट पे जो आपका मोमेंट है वो 82.5 से कहां पे चला गया, माइनस 37.5। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तब हम उसको शो करेंगे कि कैसे वो एक ही पॉइंट पर 82 से कहां पे चला गया, वो 37 पर चला गया। अब डी पे हमारा निकल गया, अब डायरेक्ट हम कहां पे निकालेंगे, सी पे निकालेंगे। सो मोमेंट एट सी वो कितना हो जाएगा, देखिए आर बी इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है, और ये भी मोमेंट हम इन्वॉल्व करेंगे माइनस 120। सो आर बी की वैल्यू कितनी है 55 इंटू 3 माइनस 120। तो ये आ जाएगा आपके पास 55 इंटू 3 माइनस 120। सो ये आइए आपका 45 किलो न्यूटन मीटर। नाउ अब हमको मैक्सिमम भी निकालना है तो मैक्सिमम हमने देखा था कि कहां पे आएगा, ई पर आएगा। बाकी अभी हमको निकालना है तो ई पे हम कैसे निकालेंगे, देखो हम पीछे से ही चल रहे हैं तो हम पीछे से ही निकालेंगे। सो मोमेंट एट ई जो कि क्या आएगा आपका मैक्सिमम, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आर बी इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3 है, और 3 प्लस 0.75 तो कितना हो जाएगा टोटल 3.75। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर बी इंटू 3.75। फिर आगे चलेंगे तो हमको ये मिलेगा लो मोमेंट जो कि क्या है माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 120।
और आगे चलेंगे तो आपको 40 का लोड आएगा, वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो 0.75, तो ये आ जाएगा आपका -40 इंटू 0.75। उसके बाद अब गाइस ये देखिए यहाँ पे यूडीएल भी लग रहा है इस पॉइंट पे, तो ये आपका यूडीएल कितने का है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो अगर हम 20 का है, तो अगर हम इस 20 को चेंज करेंगे काय में 0.75, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.75, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 0.75। और वो लगेगा कहाँ पे, उसके सेंटर पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 0.75, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी ये 0.375। तो ये हमारा टोटल इक्वेशन बन गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर हमारे पास देखते हैं कितना आता है। तो पूरा सोल्व कर लेते हैं, 55 इंटू 3.75 -120 -40 इंटू 0.75 -20 इंटू 0.5 इंटू 0.375, तो ये आ गया आपके पास 50.625 किलो न्यूटन मीटर। सो गाइस इजी है, बस आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक तो जो आपका मोमेंट है जब हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तभी इन्वॉल्व होगा, शेयर फोर्स आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, और उसकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन जिस तरह से रोटेट करवा रही है अगर वो उसी तरह रोटेट करवा रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो आपको नेगेटिव लेना है। दूसरी चीज आपको यूडीएल में ध्यान रखना है कि यूडीएल में हम किस तरीके से निकालते हैं किसी भी पॉइंट के, जैसे ई पे हमको निकालना है तो सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा लोड कितना आएगा 20 इंटू 0.75, और वो लगेगा कहाँ पे, उसके सेंटर पे, मीन्स 0.75 बाय 2। तो इस पॉइंट से वो मोमेंट कितना लिखेंगे हम, 20 इंटू 0.75 इंटू 0.375, और लोड है सारे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। सो यहाँ पे समझना कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनता है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे, हमने जहाँ जहाँ भी निकाला है, तो ए पे निकाला है, ई पर निकाला है, सी पर निकाला है, डी पर निकाला है और बी पर निकाला है। सबसे पहले ए पे जीरो है और बी पर भी कितना है, जीरो है। उसके बाद डी पर हमने दो बार मोमेंट निकाला है, एक बार जस्ट लेफ्ट और एक बार जस्ट राइट, तो राइट पे आपको कितना था 82.5 और उस पर कितना था -37.5, तो ये हो जाएगा आपका, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 82.5 और 37.5। अब जब हम सी पे गए तो सी पे हमने कितना निकाला है गाइस, 45 किलो न्यूटन, तो वो आ जाएगा 45, और ई पर हमने कितना निकाला है 50.625। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये तो आपका इंक्लाइन ही जुड़ेगा, बट ये जो है आपका ये कैसे जुड़ेगा, कर्व से जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ेगा गाइस, कर्व से जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। सो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमने क्वेश्चन करा जिसमें हमने पॉइंट लोड भी कंसीडर करा है, पॉइंट लोड भी कंसीडर करा है, यूडीएल भी कंसीडर करा है एंड मोमेंट भी कंसीडर करा है। तो आप इसको अच्छे से देखें कैसे हमने साइन कन्वेंशन लिए हैं, किस तरीके से हमने हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकाला है, किस तरीके से हमने हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है और डायग्राम ड्रॉ करा है। और यहाँ पे ये वाली चीज ध्यान रखना कि जब भी मोमेंट आता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एकदम से फ्लक्चुएट होता है, तो यही चीज ध्यान रखने वाली थी इसमें। सो ये हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हुआ। आप इसके और न्यूमेरिकल्स करिए, और अगर इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाना, और वहां पे आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।